इम्पोर्टेंट दो टॉपिक जानेंगे, एक कि क्लैंप कनेक्शन क्या होता है, इसके जस्ट बाद हम देखेंगे कि फेयरी रिंग क्या होती है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लैंप कनेक्शन क्या होता है। तो हमने बताया था कि क्लैंप कनेक्शन, देखिए समझने के लिए तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फंजाई को हमने जो है चार क्लासों में बांटा गया था, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस और एस्कोमाइसिटिस। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और वहाँ हमने बताया था कि जो बेसिडियोमाइसिटिस होती हैं उनमें कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते, वहाँ पर क्या होती है सोमेटोगैमी होती है। ये दो फंगल हाइफी आपस में फ्यूज करते हैं, प्लस एक प्लस स्ट्रेन होता है, एक माइनस स्ट्रेन होता है, तो जो रिजल्टिंग फंगल हाइफी बनती है वो क्या होगी डिप्लॉयड होगी और उसमें क्या होंगे दोनों के न्यूक्लियस पाए जाएंगे, प्लस का भी न्यूक्लियस पाया जाएगा और माइनस का भी न्यूक्लियस पाया जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, हमने यहाँ बताया था कि बेसिडियोमाइसिटिस में तो इस तरीके से देखिए दोनों के जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं वो तो फ्यूज कर जाते हैं, लेकिन दोनों के जो है न्यूक्लियस वो फ्यूज नहीं करते बल्कि एज इट इज रहते हैं और सेल क्या होती है डिवाइड होती है। ये उसमें क्या होगा कि ये न्यूक्लियस अलग डिवाइड होगा, ये न्यूक्लियस अलग डिवाइड होगा, यानी यहाँ पर प्लाज्मोगैमी तो हो गई है लेकिन सेल के अंदर देख रहे हैं कि कैरियोगैमी नहीं हुई है। ये क्या है एक सेल का फिगर है, यहाँ पर क्या हुआ दो सेल फ्यूज करके एक सेल बनाए हैं और सेल में क्या है उनके प्रोटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज हो गए हैं लेकिन उनके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जब दो गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो जायगोट बनता है, फिर जाकर के जायगोट डिप्लॉयड होता है, लेकिन यहाँ क्या है ये डाइकैरियन स्टेज है, यानी एक सेल है इसके अंदर क्या है दो न्यूक्लियस है और वो भी दो डिफरेंट स्ट्रेन के, एक प्लस स्ट्रेन है और एक माइनस स्ट्रेन है। अब क्या होगी ये सेल जो है डिवाइड होगी, तो एक से क्या बनेंगे दो सेल बनेंगे। तो ये इंश्योर करने के लिए कि जो दो सेल बनेगी दोनों में ही दोनों प्रकार के न्यूक्लियस होने चाहिए, एक प्लस न्यूक्लियस होना चाहिए एक माइनस न्यूक्लियस होना चाहिए, इसी तरीके से जो दूसरा सेल बना है उसमें भी क्या होने चाहिए प्लस और माइनस न्यूक्लियस होने चाहिए। देखिए कैसे होता है, इसी को ही कहा जाता है क्लैंप फॉर्मेशन या क्लैंप कनेक्शन। तो सबसे पहले क्या होती है कि ये दोनों न्यूक्लियस आपस में डिवाइड होना शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है सेल में एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बनता है और इस हुक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है एक न्यूक्लियस चला जाता है, जो प्लस स्ट्रेन या माइनस स्ट्रेन जिसको भी माने हम, एक न्यूक्लियस क्या होता है इसके अंदर चला गया और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर एक सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि इस सेल में क्या हो गई एक प्लस स्ट्रेन का न्यूक्लियस आ गया, एक माइनस स्ट्रेन का न्यूक्लियस आ गया और एक न्यूक्लियस कहाँ आ गया यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद क्या होगा कि ये चीज ये आउट ग्रोथ जो है और बढ़ेगी और आकर के यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगी जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं और फिर ये न्यूक्लियस जो है वो इस सेल में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं एट द एंड क्या हो गए दो सेल बन गए और दोनों में ही क्या है दो डिफरेंट प्रकार की न्यूक्लियाई है। तो क्लैंप कनेक्शन क्या होता है, इट इज ए हुक लाइक स्ट्रक्चर विच इंश्योर द सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन। ठीक, ये इंश्योर करता है कि दो सेल बने और दोनों सेल में दो डिफरेंट प्रकार के न्यूक्लियाई हो। ठीक, ऐसा ना हो कि यहाँ से ही सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाए और यहाँ पर ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाए, तो अगर इस तरीके से होगा तो यहाँ पर क्या होंगे दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, दो न्यूक्लियस तो यहाँ बन जाएंगे लेकिन क्या होगा दोनों सेम ही प्रकार के होंगे। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाए और फिर उसके बाद ये न्यूक्लियस डिवाइड हो तो जो और उसके बाद फिर ये न्यूक्लियस डिवाइड हो तो जो रिजल्टिंग दो सेल्स बनेंगी उनमें दोनों न्यूक्लियस तो होंगे लेकिन दोनों सेम स्ट्रेन के होंगे, तो जो कि सही नहीं है। न्यूक्लियस जो होने चाहिए वो डिफरेंट स्ट्रेन के होने चाहिए क्योंकि यही आगे चल के न्यूक्लियस को फ्यूज करेंगे डिफरेंट स्ट्रेन के न्यूक्लियस और जायगोट बनाएंगे। तो यही इंश्योर करने के लिए कि दो सेल्स बने और दोनों सेल में दो डिफरेंट प्रकार के न्यूक्लियाई हो, इसीलिए क्लैंप कनेक्शन का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्लैंप कनेक्शन क्या होता है, जो ये हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी को हम कहते हैं क्लैंप कहते हैं और क्लैंप कनेक्शन के द्वारा ही क्या होता है दो डिफरेंट प्रकार के न्यूक्लियाई जो होती हैं अलग अलग सेल में जाती हैं। तो अगर पूछा जाए क्लैंप कनेक्शन किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है तो आप बताएंगे बेसिडियोमाइसिटिस का। क्लैंप कनेक्शन जो है वो बेसिडियोमाइसिटिस में पाया जाता है, बाकी किसी भी क्लास में नहीं पाया जाता, केवल बेसिडियोमाइसिटिस में पाया जाता है।
तो आइए अब हम देखते हैं कि फेयरी रिंग क्या होता है। तो चाहे हम फेयरी रिंग की बात करें, चाहे हम क्लैंप कनेक्शन की बात करें, दोनों ही किसका फीचर है? बेसिडियो मायसिटीज का फीचर है, बेसिडियो मायसिटीज का। तो दो अब फेयरी रिंग क्या होता है कि जो रेसिडियो माइसिटीज के मेंबर्स होते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया, तो ये क्या उगते हैं? एक सर्कुलर रिंग उगते हैं। इसी सर्कुलर रिंग को ही कहा जाता है फेयरी रिंग। ये इस तरीके से मशरूम जो है एक सर्कुलर रिंग में उगते हैं, तो इसी को कहा जाता है फेयरी रिंग। तो पहले ऐसा माना जाता था या अभी ऐसे माना जाता है कि यहाँ पर फेयरी क्या होती है? सर्कल में डांस करती है, तो मतलब ये इसका इंडिकेशन माना जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? जनरली ग्रास लैंड में पाया जाता है। तो ग्रास लैंड में क्या होगा, ये एरिया जो होगा रिंग वाला एरिया, ये क्या होगा? बहुत ही डार्क होगा, जो सेपरेशन वाला एरिया है। तो इसी को कहा जाता है फेयरी रिंग कहा जाता है। तो फेयरी रिंग क्या होता है? बेसिडियो मायसिटीज का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो फेयरी रिंग होता क्या है कि रिंग जो है फिर जो बेसिडियो मायसिटीज के मेंबर हो गए, यानी मशरूम हो गए, वो क्या होते हैं? एक सर्कुलर रिंग में ग्रो करते हैं। तो ये रिंग छोटी भी हो सकती है, इससे भी बड़ी होती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, यानी 600 मीटर तक हो सकती है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? फेयरी रिंग कहते हैं। तो आई फ्रेंड, ये दो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।